सो हेलो गाइस, दिस इज निर्वजन। वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं और उसके लिए काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ये एग्जाम आप सभी लोगों को पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफी टफ होता है। तो आज इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि इस एग्जाम में आपको किस किस तरह के डिफिकल्टीज आएंगे, क्या क्या इसमें एग्जाम पेपर्स होंगे, क्या सब्जेक्ट्स होंगे इसमें, इसकी लास्ट डेट, फर्स्ट डेट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, क्या फीस लगेगी, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है अगर आप इसको स्किप करेंगे तो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम इसी तरह की वीडियोज़ डालते रहते हैं, एग्जाम और जॉब, बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सबसे पहले इसकी अप्लाई डेट, आज जो इसकी डेट है वो है 27th of September। आप अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई की वो है 30th of September से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट जो एप्लीकेशन डेट है वो है 5th November, यानी कि 5 दिन का आपके पास टाइम है अप्लाई करने का। 30th September से विंडो खुल जाएगी और आप 5 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। जो टोटल वैकेंसी है वो है 555, यानी कि 555 की ट्रिपल वैकेंसी है। इसमें से ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप जो भी वुमेन जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि 174 सीट्स जो है वो रिजर्व रखी गई है वुमेन के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। जो इसकी एग्ज़ाम डेट है, जो इसके प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट है, वो है 12th of December की। इसका क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई भी बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री ली है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हैं बीपीएससी में अपियर होने के लिए। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है bpsc.bih.nic.in। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, bpsc.bih.nic.in। इस वेबसाइट को मैं खोल के भी दिखा दूंगा और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ जाके सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये इसको मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि इस वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, तो प्लीज़ बने रहिए। आगे इसका एज का फैक्टर कि आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो जो मिनिमम जो एक एज है वो जनरल क्राइटेरिया में आपको बता देता हूँ, 20 इयर्स से लेकर 37 इयर्स तक के लोग जो हैं वो इसमें आ सकते हैं। और जो आपकी मैक्सिमम एज कैलकुलेट करी जाएगी वो 1 अगस्त 2021 से करी जाएगी, ठीक है। अब इसमें कुछ कंसेशन भी दिया गया है, अगर आप वुमेन कैंडिडेट से एससी में, तो आप 40 इयर्स तक तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप वुमेन कैंडिडेट से एसटी में, आपका आपके लिए 42 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम है, जो एज कैलकुलेट करी जाएगी वो 1 अगस्त तक कैलकुलेट करी जाएगी। अब इसकी एग्जामिनेशन फीस, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो फीस है वो है 600 रुपीज, और अगर आप उसके अलावा आते हैं, जैसे मैं बता दूँ एससी एसटी में फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप बिहार स्टेट के रहने वाले हैं, वो वुमेन्स जो बिहार स्टेट में रहती है वो, और पीडब्ल्यूडी, इन सभी लोगों के लिए 150 रुपीज की फीस रखी गई है, और बाकी जो जनरल लोग हैं उनके लिए 600 रुपीज की फीस रखी गई है। अब आगे बता दो आपको वैकेंसी डिटेल्स। अच्छा, बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, उसको हमने डिवाइड करके बताया है मेन और वुमेन के अंदर, तो इसको मैं एक करके पढ़ लेता हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन सी वैकेंसी में सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली है। तो जैसे आप देख सकते हैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसमें 57 मेन की है, 31 वुमेन की है। स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, इसकी भी हमने आगे बता रखी है, 14 और 7। इंफीरियर इलेक्टोरल ऑफिसर, इसकी है 3 मैन में निकली और 1 वुमेन में निकली है। बिहार एजुकेशन सर्विस, 9 मैन की निकली है, 3 वुमेन। प्लानिंग अथॉरिटी, 2 और 0। लेबर सुपरिटेंडेंट, 2 और 0। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अथॉरिटी कॉपरेशन कमिटीज, 2 और 4। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी, 8 और 4। असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, 4 और 0। असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर, 36 और 16। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल इसमें 52 वैकेंसी आ गई है। रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें ज़्यादा निकली है, 90 मैन की और 43 वुमेन की है। आप देख सकते हैं 133 इसमें आ चुकी है। म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, 73 और 37। तो ये भी एक काफ़ी हाई वैकेंसी वाला एक पोस्ट है। रेवेन्यू ऑफिसर इन इक्विवेलेंट, 27 और 9। सप्लाई इंस्पेक्टर, 3 और 1। ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर, 13 और 5। वन अदर्स में 38 और 14। तो ऐसे टोटल जो मैन की है वो है 381 और वुमेन की है 174, तो टोटल आपकी हो गई 555। तो आई गेस सबको ये क्लियर हो गया होगा वैकेंसी का, और आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको भी यहाँ से पता चल गया होगा कि आपकी पोस्ट में कितना कॉम्पिटिशन है, यानी कि कितनी वैकेंसीज है।
तो आपको भी थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी का। आपका यहाँ पे PTB होगा जिसको कहते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, जो मेल है अनरिजर्व और वो मेल जो OBC में आते हैं, उन दोनों की जो हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम 5 फीट 5 इंचज की होनी चाहिए, और चेस्ट जो है वो विदाउट एक्सपेंशन में 32 का होना चाहिए। ठीक है, अब जो फीमेल है अनरिजर्व और OBC के केस में, उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 5 फीट 2 इंच की होनी चाहिए, और चेस्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। अब जो SC ST में आते हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 5 फीट 2 इंचज और 31 इंचज उनका होना चाहिए चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 तरीके से होगा। अभी पहला जो प्रीलिम्स है उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद में मेन्स होंगे और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो ये 3 तरीके से इसमें राउंड चलेंगे जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा आगे। अब इस BPSC के प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे वो बताता हूँ। पहला है जनरल नॉलेज, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, तीसरा है रिवर्स ऑफ बिहार, ज्योग्राफी इंडिया एंड बिहार, इंडियाज पॉलिटिक, इंडियाज इकोनॉमी, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, द इकोनॉमी ऑफ बिहार आफ्टर फ्रीडम, इंडियन मूवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार। तो टोटल ये 9 सब्जेक्ट्स है, ऐसे मान ले सकते हैं कि आपका सिलेबस है। तो ये टोटल 9 सब्जेक्ट्स है जो आपको पढ़ के जाना है, आपके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इन किसी में से भी आपका पेपर आ सकता है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, कैसे अप्लाई करें इसके लिए, BPSC के लिए कैसे अप्लाई करें। तो ये एक वेबसाइट हो रहा है जो मैंने आपको पहले वेबसाइट पर दे दी, वो ऑफिशियल वेबसाइट थी। ये वो वेबसाइट है जिसमें डायरेक्ट लिंक आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर आप क्लिक करेंगे BPSC 67 सिविल सर्विसेज एग्जाम, उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर आप ऑनलाइन फीस पे करेंगे, एंड देन आप एप्लीकेशन फॉर्म बटन पे क्लिक करेंगे और बाकी सारी डिटेल्स फिल करेंगे। इस प्रोसेस में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और ये जो दूसरी वेबसाइट होती है उसको खोल के दिखा देता हूँ। तो जैसे ये है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग 67th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये भी आपका इसी से रिगार्डिंग है। और ये जो है 67th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये एडवर्टीजमेंट और इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग, ये भी इसी का पार्ट है। तो जैसे हम खोल के दिखा दें, तो ये सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल हमने यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट से ही ली थी, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऐसा नहीं हमने किसी थर्ड पार्टी से उठाया, ये यहीं से उठा के आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको बिल्कुल इजी वर्ड्स में आपको समझ आ जाए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम कोई फेस ना करनी पड़े। ठीक है, अगला ये है कि इसको कैसे फिल करें। फिल करने के लिए हमने आपको बता दिया कि आप सिंपल से जैसे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी वही है कि आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, सारी एप्लीकेशन डिटेल्स को फिल करेंगे, फीस पे करेंगे, देन नेसेसरी जो भी फोटोज वगैरह मांगते हैं वो जनरली अपलोड करेंगे, और उसमें लास्ट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो PDF है सारे की, ये है कैसे भरना है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और ये आवश्यक सूचना है इसको भी दे दूंगा। वैसे हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है, फिर भी आपको बता दूँ, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना है। जो ये पहले वाली वेबसाइट थी उस पर तो सिर्फ एक इन्होंने कहने को एक एडवर्टीजमेंट दे रखा है, लेकिन जो मेन वेबसाइट है वो ये है, इस पे जाके आप अप्लाई करेंगे। ये है, यहाँ से आप लॉगिन आईडी पासवर्ड, आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा, आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, आप फिर से साइन अप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से फिल करके और आप आगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और सक्सेस आपका हो जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा प्रोसेस, इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो आई गेस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इंस्टाग्राम पर मुझे DM भी कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम की ID डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ देख सकते हैं, मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, लाइक से आपको मोटिवेशन मिलती है, ऐसा लगता है कि और आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ हम लेके आते रहें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।